आपने देखा होगा पूरे बिहार में क्या चल रहा है, ये सारे आप लोग के मीडिया के माध्यम से देखने को मिला। वो लोग लोगों से पैसा लेकर एक जाली फरेबी टीम को खड़ा किए हैं और उनके मात्र 15-20 लड़के, इसका मैच जो भोजपुर का था ये बक्सर में भी था, बक्सर में भी हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। वहाँ पर जो प्रशासन था दोनों पक्ष का कागज देखा और उसके बाद बोला कि नहीं ये मैच नहीं हो सकता है, उस मैच को उन्होंने कैंसिल वहाँ से कर दिया। तो यहाँ चूँकि जो विरोधी गुट बनाई गई है जानबूझ के बिहार के द्वारा, उन लोगों का यही मैच होता था कोइलवर में, उन लोगों ने कोइलवर में दोबारा शिफ्ट किया कि आपको जबरदस्ती गुंडागर्दी से आपको मैच नहीं खेलने दिया जाएगा। जबकि हमारी संस्था जिसका लेटर भी दिया गया है अध्यक्ष के द्वारा, बिहार के अध्यक्ष के द्वारा मेल दिया गया है कि आप ही उसकी संस्था है, और आज ये बच्चे जब खेलने कल आए तो कल का मैच तो रद्द हो गया, लेकिन आज जबरदस्ती जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके बहुत सारे बच्चों को बुला के और धमकाया जा रहा है, हथियार के बल पर लाठी डंडा लेकर खड़ा गया है। मजबूरी में हम लोगों को आकर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये सारे छोटे छोटे बच्चे आप जो देख रहे हैं इनके उम्र 10 साल 12 साल 15 साल है, जो अपना बहुमूल्य समय देकर क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसको बिहार क्रिकेट संघ यहाँ खराब करना चाहता है, जिसके विरोध में सारे लोग यहाँ जानते हैं कि भाई हमको अपने हक के लिए लड़ना होगा। और हमारा ये मान्यता है कि जब हमें मान्यता प्राप्त अध्यक्ष के द्वारा है तो हमें खेलने का मौका मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी टीम यहाँ मैच खेले, क्योंकि जो जेन्युइन है उसी को ये मौका मिलना चाहिए। संवैधानिक रूप से जो है बीसीए के हम अंग हैं, आज से नहीं 86-87 से, तो अचानक एक दिन में कोई आ जा खड़ा होकर दूसरा संघ कैसे बन सकता? सारा पेपर हम लोग दिखाने के लिए तैयार है, ना तो प्रशासन देखने के यहाँ तैयार है और ना ही के यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देखने को तैयार है। वो बोलता है हम नहीं जानते हैं, बीसीए के सचिव के द्वारा जो निर्देश आएगा वही हम करेंगे। तो क्या नाम है? बच्चों के साथ अन्याय है। मनोज कुमार, क्या है? मैं स्टेट पैनल में अंपायर भी हूँ और जिला संयोजक भी हूँ।